नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन से आपका जो है प्लेटफॉर्म किताब से बायोलॉजी का जीव विज्ञान का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे आज चैप्टर नंबर 10 का, जिसमें लोग पढ़ेंगे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र जो भी है उसका जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। और इसमें हम लोग जो है सिर्फ आपका जो भी क्वेश्चन है और जो भी आपका राइट आंसर उसी को सिर्फ लगाएंगे, ठीक है। और ये आपका जो है रिविजन पर्पज से, प्रैक्टिस पर्पज से वीडियो बन रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग जो आपका जो दिया गया एक्सप्लेनेशन उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन है और जो भी आपका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट प्ले लिस्ट में जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग जो है आपका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देंगे। पहला क्वेश्चन है पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन मिलता है। तो पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन मिलता है किसमें, तो ऑप्शन डी प्लेनेरिया में मिलता है, ठीक है। कोई आपका टू है गुणसूत्रों क्रोमोजोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। तो गुणसूत्रों क्रोमोजोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, ऑप्शन नंबर सी रेखाकार लीनियर है। कुछ नंबर थ्री है निम्नलिखित में लिंग संलग्न सेक्स लिंग रोग है, ऑप्शन नंबर सी वर्णधाता कलर ब्लाइंड है। तो निम्नलिखित में से लिंग संलग्न सेक्स लिंग रोग है आपका वर्णधाता आपका कलर ब्लाइंडनेस है। कुछ आपका फोर है आपका मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्म मनज का संगठन होता है। तो मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्म नज का संगठन होता है, ऑप्शन नंबर 22+X होता है। 5 आपका अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ आपका आरएनए होता है, ठीक है। कुछ आपका 6 नंबर है जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होते हैं, ऑप्शन नंबर डीएनए होता है। जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होते हैं आपका डीएनए। तो 7 आपका गर्भ निरोधक गोलियों कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में अधिकतर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियों कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में अधिकतर होते हैं आपका ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। एट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जोंक लीच होता है। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी जोंक होता है, लीच होता है। 9 आपका डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नबर्ग ने किया था। तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो अब कॉर्नबर्ग ने किया था। 10 आपका डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर मिश्र ने की थी। तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम मिश्र ने की थी। 11 नंबर है क्रोमोजोम्स किसके बने होते, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा बने। तो क्रोमोजोम आपका डीएनए आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। 12 नंबर जीन किसके बने होते, तो ऑप्शन नंबर बी पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होता है। जीन आपका जो है किसके बने होता है, आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। बात 13 नंबर मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर 46। मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या आपका 40 होती है, ठीक है। 14 नंबर भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी गर्भनाल के द्वारा होता है। तो भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो गर्भनाल के द्वारा होता है। 15 नंबर है पुरुषों के बांध्यकरण शल्य क्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वैसेक्टोमी कहते हैं। तो पुरुषों के बांध्यकरण शल्य क्रिया को कहते हैं वैसेक्टोमी कहते हैं। 16 नंबर है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन करता है। तो निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, आपका प्रोजेस्टेरोन करता है। 17 नंबर है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, ऑप्शन नंबर भ्रूण के लिंग पोर्टल सेक्स को। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका जो बताता है भ्रूण के लिंग पोर्टल सेक्स के बारे में। 18 लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचलन कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचलन कैसे होता है, तो जीन के समय से ब्रेंडिंग से क्रोमोजोम में बदलाव से और आपका जो है एक मिनट और आपका जीन का मिशन सफलिंग से होता है, तीनों सबका होता है। 19 आपका है मादा जनन पथ, तो मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सूची रखते हैं, ऑप्शन बी 20 मिनट के लिए। फिर 20 नंबर है अरे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्टिव बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है, ऑप्शन नंबर सी जब निषेचन बाहरी होता है और विकास आंतरिक होता है। 21 है किस उभय लिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी केंचुआ में। तो किस उभय लिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी केंचुआ में। 22 है गर्भाशय बुम्ब, तो गर्भाशय बुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर यूटेरस है। 23 है पुरुष में पुरुषत्व
के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन प्रदायी, ऑप्शन नंबर डी एक सौ बाईस। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन प्रदायी, ऑप्शन नंबर डी एक सौ बाईस। 24 है 1921 दिन की अवधि का उल्लेख किया गया था, ऑप्शन नंबर है मुर्गी के अंडे की सैनिक की अवधि। तो 1921 दिन की अवधि का उल्लेख किया था मुर्गी के अंडे की को सैनिक की अवधि में, ठीक है। 25 है विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, तो विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से ऑप्शन नंबर प्रसव कहा जाता है। 26 है किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है, कहलाता है, ऑप्शन नंबर कलम कहलाता है। तो किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है वह कहलाता है कलम कहलाता है। 27 है सामान्यता निषेचन होता, ऑप्शन नंबर सी डिम्बवाहिनी नली में है, तो सामान्यता निषेचन आपका डिम्बवाहिनी नली में होता है। 28 में क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो मेमोग्राफी का आपका हो जाएगा स्तन, और एंजियोग्राफी का आपका हो जाएगा रुधिर वाहिकाएं, और एंडोस्कोपी का हो जाएगा मलाशय, और आपका अल्ट्रासोनोग्राफी का हो जाएगा गर्भाशय, ठीक है। तो आपका ये सब जो है इससे कुछ कुछ जो है चीज देखे जाते हैं, ठीक है। तो मेमोग्राफी स्तन, एंजियोग्राफी आपका जो है रुधिर वाहिकाएं, एंडोस्कोपी मलाशय, और अल्ट्रासोनोग्राफी आपका गर्भाशय। 29 गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो ऑप्शन में से डीएनए तथा प्रोटीन से, तो आपका गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। 30 नंबर जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक प्रजाति, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड की। तो जर्सी कांड सर जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक प्रजाति, तो ऑप्शन स्विट्जरलैंड की। 31 है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र उद्गम है, ऑप्शन नंबर 23 है। 22 है समान ब्रेड रोटी गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइबम है, तो ऑप्शन नंबर बी सट गुणित है। तो आपका समान ब्रेड रोटी गेहूं टिटिकप एंड एस्टाइबम है, ऑप्शन नंबर बी सट गुणित की। 33 है ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने तो अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाता है, ऑप्शन सी सरोगट मदर कराती है। 34 है बार पिंड किस में पाया जाता है, तो बार पिंड आपका ऑप्शन सी मादा कारिक कोशिका में पाया जाता है, तो बार पिंड आपका जो है मादा कारिका कोशिका पाया जाता है। 35 है मानव शरीर में प्रोस्टेटिक आपका ऑप्शन नंबर ग्रंथि है, तो मानव शरीर में प्रोस्टेट आपका ग्रंथि है। 36 है सबसे पहले डीएनए का अलग किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिसेचर ने किया था। सबसे पहले डीएनए का को अलग किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिसेचर ने किया था। 37 है निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन बाइंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी एने लिडो नहीं करता। तो निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बाइंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी एने लिडो नहीं करता है, ठीक है। 38 है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, तो डी ऑक्सीरियो ब्यूरोलिक डी ऑक्सीरियो बोन न्यूक्लिक एसिड है, डी ऑक्सीरी वो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 39 है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन कार्य प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी परिनिषेचन एलोगैमी आपका जो है अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो आपका जो परिनिषेचन, बाकी आपका बर्डिंग बाइनरी फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन है। 10 आपका एक मादा युग्मक में एक मादा युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोजोम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ी क्रोमोजोम होते हैं। 41 है अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन फर्टिलाइजन डैश में होता है, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन जो है आपका ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब में होता है। 42 आपका क्वेश्चन नंबर है निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो निषेचन विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को ऑप्शन नंबर भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी के से जाना जाता है। तो निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को जो है भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 43 आपका लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है, ऑप्शन सी नए जीवक नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। 44 है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता, ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता, ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म। 45 आपका क्वेश्चन नंबर है एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़ तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल, ऑप्शन नंबर बी वनस्पतिक प्रजनन। तो एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़ तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल, ऑप्शन बी वनस्पतिक प्रजनन। 46 में क्वेश्चन है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, ऑप्शन नंबर बी अपने जीन का आधा हिस्सा। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान, ऑप्शन नंबर बी अपने जीन का आधा हिस्सा। 47 है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन और मुकुलन रीजनरेशन और अनबर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। तो निम्न में से कौन सा जीव
पुनर्जनन और मुकुलन रीजनरेशन एंड बर्डिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है वन बी हाइड्रा। 48 है अम्बीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बाइनरी फिकंडन। तो अम्बीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी फिकंडन। 49 में क्वेश्चन है गुणसूत्र में क्रोम में डायटिस जिस बिंदु में संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या, ऑप्शन नंबर डी सेंटोमियर है। तो गुणसूत्र में क्रोम में डायटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। टूपी है भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए गर्भनाल के द्वारा। तो भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण गर्भनाल द्वारा। 51 आपका प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए मूत्राशय के नीचे। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। 52 है हाइड्रा प्रजनन करता है, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन द्वारा करता है, तो हाइड्रा प्रजनन करता है आपका मुकुलन द्वारा। 53 है वृषाणु से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन होता है। तो वृषाणु में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। 54 बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली को का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय करता है। 55 आपका है निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप में से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा होता है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका है गतिशील जीवाणु कोशिका को या कहा जाता है, तो गतिशील जीवाणु कोशिका को ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक कहा जाता है। 57 क्वेश्चन नंबर है अंडा अंडाशय, तो अंडा अंडाशय से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है, ऑप्शन डी ऑप्शन डिंब वाहिनी को लाया जाता है। तो अंडा अंडाशय से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी डिंब वाहिनी को लाया जाता है। 58 है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा, तो मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी नर्व गर्भनाल। 59 नंबर निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी स्नेल आपका अपना लिंग बदल सकता है। 60 नंबर है किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है, तो किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता होती है, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक प्रजनन में। 61 आपका इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है, ऑप्शन नंबर ए सरसों, तो इनमें से आपका सरसों उभयलिंगी फूल है। 62 है उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय, तो उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय। 63 आपका वृषण डैश में उधर गुहा के बाहर स्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी अंडकोश की थैली में, तो वृषण अंडकोश की थैली में उधर गुहा के बाहर स्थित होती है। 64 है निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी स्पाइरो गाइरा, से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी स्पाइरो गाइरा। 65 है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन, ऑप्शन नंबर ए 44 गुणसूत्र और प्लस एक से एक। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र प्लस एक्स। 66 है निम्न में से कौन सा कथन सही, ऑप्शन बी डीएनए अणु दो सर्पिल चिड़ियों की तरह ये दोहरी पेचेदार संरचना डबल हेलिक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेशाओं से बना है, तो डीएनए अणु दो सर्पिल चिड़ियों की तरह एक दोहरी पेचेदार संरचना डबल हेलिक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेशाओं से बना हुआ है। 67 क्वेश्चन आपका है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस का निर्माण होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप ऑप्शन बी युग्मनज का निर्माण होता है। 68 आपका है मदाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो मदाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को ऑप्शन बी अंडजनन कहा जाता है। 69 आपका महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होता है, ऑप्शन नंबर डी रजोदर्शन से होता है, तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होता है। 70 आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, तो द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं को द्विगुणित कोशिकाओं के में गुणसूत्रों का विशेष जुड़ा होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जुड़ा होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 71 आपका लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, लैंगिक प्रजनन में त्याग से, तो आपका लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो लैंगिक प्रजनन में ऑप्शन नंबर सी नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान। 72 आपका द फर्टिलाइज्ड एग द जायगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द, ऑप्शन नंबर बी यूटेरस, तो द फर्टिलाइज्ड एग जायगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द, ऑप्शन नंबर बी यूटेरस। 73 है मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अपने भ्रूणों से प्रसिस्टों को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तो मनुष्यों में
पाया जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया था? ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। 74 में क्वेश्चन आपका है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश मोटा ऑप्शन बी वृषण में होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है 75, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयुक्त होती है तो वे डैश का निर्माण करते थे। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयुक्त होती है तो वे आपका ऑप्शन में युग्मनज का निर्माण करती है। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड? ऑप्शन मेरे सेक्सुअल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड? ऑप्शन मेरे सेक्सुअल। 77 है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं के ऑप्शन मादा युग्मक कहा जाता है। 78 है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, तो ऑप्शन नंबर सी पपीता। तो वह पौधा जो कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता, ऑप्शन नंबर सी पपीता। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी अंडाशय ओवरी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी अंडाशय ओवरी नहीं है। 80 नंबर, अमीबा में प्रजनन कैसे होती है? तो ऑप्शन नंबर डी डिखंडन द्वारा होती है। तो अमीबा में प्रजनन आपका डिखंडन द्वारा होती है। 81 है, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया? तो ऑप्शन नंबर डी दो श्रेणियों में बांटा गया था। प्रजनन को दो श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए उर्वीकरण। तो डैश उर्वीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। 83 है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग 10 कितने महीने लगते हैं? ऑप्शन नंबर डी 9 महीने लगते हैं। 84 लैंगिक प्रजनन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी कम विकसित जानवर और पौधे। तो अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है आपका कम विकसित जानवर और पौधे, ठीक है। 85 है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर सी अंडकोष की थैली में होता है, ठीक है। तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन आपका अंडकोष की थैली में होता है। 86 है, प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन का कारण होता है? तो प्रसव पीड़ा जो आपका ऑप्शन सी गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन का कारण होता है प्रसव पीड़ा। 87 है, वृषणों, तो वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर में 11 कल पढ़ेंगे, तो आज के लिए बताएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।